भगवान बुद्ध किसी यात्रा पर जा रहे थे, तभी उन्हें प्यास लगी, इसलिए उन्होंने एक शिष्य को झील से थोड़ा पानी लाने को कहा। जब शिष्य झील के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि कुछ लोग झील में कपड़े धो रहे थे। तभी अचानक वहां से एक बैलगाड़ी उस झील से गुजरी। ऐसे में झील का सारा पानी गंदा हो गया, इसलिए वह खाली हाथ ही वापस आ गया और बुद्ध को सब कुछ बता दिया। बुद्ध ने कहा, चिंता मत करो, हम सब यहीं पेड़ की छाया में विश्राम करते हैं। आधे घंटे के बाद बुद्ध ने उसे वापस उसी झील से पानी लाने को कहा। फिर शिष्य उसी झील पर वापस चला गया। झील जो बैलगाड़ी के वजह से गंदी हो गई थी, इस बार बहुत साफ लग रही थी, तो शिष्य ने वह साफ पानी ले जाकर के बुद्ध को दिया। बुद्ध ने पानी को स्वीकार करते हुए कहा, क्या तुमने देखा कि मेरे लिए कुछ साफ पानी लाने में क्या लगता है? कुछ नहीं, तुमने इसे समय दिया और कीचड़ झील के तल तक चली गई और तुम्हें साफ पानी मिल गया। यही बात आपके दिमाग पर भी लागू होता है। जब हमारा दिमाग परेशान होता है, तो इसे शांत करने के लिए आपको किसी प्रयास की जरूरत नहीं है, बस थोड़े समय की जरूरत है और दिमाग अपने आप शांत हो जाता है।